स्टैंडर्ड 10 MCQ मैथ्स 1 विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी 2/3 1.5 15% 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी यह हमेशा 0 और 1 के बीच में या 0 के बराबर और 1 के बराबर होता है या वो 0% टू 100% के बीच में होता है यानी 0 से लेके इट कैन बी इक्वल टू 0 इट कैन बी इक्वल टू 1 और ये 0 टू 1 के बीच में सो मीन्स 0.1 0.2 0.25 ऐसे हो सकता है या वो परसेंटेज में 0% 100% या 0 और 100 के बीच में 25% 70% ऐसे हो सकता है अगर उसको फ्रैक्शन में देखना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में फ्रैक्शन होगा तो उसमें न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर देन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होगा सपोज़ 4/9 सो न्यूमरेटर ये छोटा चाहिए 9/4 होगा तो इट कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ओके सो विल सी दिस सो 15% आएगा प्रोबेबिलिटी 0.7 इसके बीच में है तो ये भी प्रोबेबिलिटी है 1.5 ये 1 से बड़ा है सो इट कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी और 2/3 में न्यूमरेटर छोटा है सो ये भी प्रोबेबिलिटी है सो आंसर इज़ बी सेम क्वेश्चन हियर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 3/5 7/2 3/4 4/5 तो हम लोग में ये ट्रिक यूज़ करेंगे न्यूमरेटर छोटा चाहिए डिनोमिनेटर बड़ा सो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा प्रोबेबिलिटी ये न्यूमरेटर बड़ा है सो इट कैन नॉट प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर छोटा है यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है सो आंसर इज़ बी